हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय माल्या और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल अमेजिंग ऑर्गेनिक टिक्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल में ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो भी मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ नॉलेज होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अमरूद के पौधे मैंने वर्मी कम्पोस्ट यूज़ किया था तो उसमें कैसा रिस्पॉन्स आया था, उसी तरीके से मैंने एक और पौधा आया जिसमें मैंने वर्मी कम्पोस्ट यूज़ किया था। देखिए, टमाटर का पौधा आप सामने देख रहे होंगे, तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन वाला यानी कि घंटा भी दबा लें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने वीडियो में। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई प्रोसीजर नहीं, इसमें सिंपल सी बात है, टमाटर का पौधा है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वर्मी कम्पोस्ट यूज़ किया था, रेगुलर यूज़ करता हूँ वर्मी कम्पोस्ट। ये वर्मी कम्पोस्ट ही ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही पूरा हुआ है। यहाँ पर कई सारे पौधे थे बट अभी एक पौधा हमने बचाया, बाकी हमने हटा दिए हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़े स्पेस की नीड थी, इस वजह से सारा कुछ हटा दिया मैंने यहाँ से। सिर्फ एक पेड़ है जिससे कि एक्चुअली मैं हमारी पूरी फैमिली के लिए इससे टमाटर इतने निकल रहे हैं कि मुझे और कोई दूसरा पौधा रखने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये बगल में अमरूद का पौधा है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वीडियो लंबा ना, इसलिए मैं दूसरे वीडियो बना रहा हूँ, इसमें टमाटर के बारे में बताऊँगा। आप लोग देख रहे हैं ये वर्मी कम्पोस्ट यूज़ किया था मैंने इसमें, और आप देख सकते हैं कि टमाटर के पौधा में कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। इसमें कोई भी अभी DAP यूरिया और NPK वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया गया, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से ही ये पौधा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है अभी, मई का महीना, ये शायद फरवरी में लगा था, जनवरी में लगा दिया गया था, सॉरी जनवरी से ये पौधा चल रहा है, अभी मई आ गई है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में आप देख सकते होंगे उत्तर प्रदेश में जो पुराने पौधे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनको फेंक दिया जाता है, उखाड़ करके दूसरी फसल लगा दी जाती है। जबकि ये मैं पौधा वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं नए किले भी निकल रहे हैं। और टमाटर का पौधा बहुत अच्छा है, सेल्फ है और बढ़िया स्वस्थ है, और इसमें टमाटर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे टमाटर आए हुए हैं। अभी इसकी कल हार्वेस्टिंग की गई है, बड़े बड़े टमाटर हमने निकाल लिए हैं जो भी हमारे पके हुए थे। अभी कुछ टमाटर और लगे हुए हैं जिनको अभी हार्वेस्टिंग करेंगे, जैसा हमें नीड होती है खाने पीने के लिए वैसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है दोस्तों, और इसकी खासियत ये है कि इसके टमाटर आप तोड़ लीजिए, टमाटर तोड़ने के बाद में आप इसको जब कहीं भी रख दीजिए, फ्रिज में रखिए या बाहर रख दीजिए, आपके टमाटर ख़राब नहीं होने, क्योंकि इसमें टमाटर में इतनी इम्यूनिटी है और ये जैविक तरीके से तैयार किया गया। तो इसकी जो मुद्दत होती है, जो इसकी जो सेल्फ जो ड्यूरेशन होता है अपने आप को स्टेबलाइज रखने की, ख़राब ना होने की, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम है। तो दोस्तों, इसको आप तोड़ कर रख लेंगे पका हुआ टमाटर, तो कम से कम 15 दिन तक आराम से रखा रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी, कोई सड़ना नहीं, कोई ख़राब नहीं होना, इसकी खासियत है। और आप देख सकते हैं कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं इसमें, और बहुत सारे छोटे छोटे टमाटर भी आ रहे हैं, ये बड़े बड़े टमाटर भी हैं, पके टमाटर भी हैं। देखिए, तो इस तरीके से इसमें टमाटर आ रहे हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का देखिए एक सिस्टम होता है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करते हैं तो आपके पौधे की ड्यूरेशन बढ़ जाती है। जैसे मिर्च का पेड़ होता है वो 8 महीने चलता है, जबकि अपने यहाँ पे 8 महीने तक उसमें मिर्च लेना बहुत दुर्लभ हो जाता है। छोटी छोटी मिर्ची आती हैं, आती भी है अगर, तो रीज़न ये होता है कि उसमें हम जैविक खाद नहीं यूज़ करते, कैसे रासायनिक खाद यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसमें ऐसा होता है। जबकि मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों आप जैविक फार्मिंग को रहें, थोड़ा थोड़ा जैविक खाद डालना स्टार्ट करें। वर्मी कंपोस्ट एक बेस्ट ऑप्शन है अपने लिए जैविक खाद का, क्योंकि हमारे यहाँ जैविक खाद ज़्यादा अच्छी मात्रा में नहीं होती, कोई भी जैविक खाद हमारे यहाँ पर अभी सही ढंग से नहीं बन रही है। तो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा ऑप्शन है, आप घर में बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाना बहुत आसान होता है दोस्तों, आप वीडियो देख सकते हैं, हमारा वीडियो देख सकते हैं, और भी कई यूट्यूब में कई सारे ढेर सारे वीडियो हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के, तो आप देख सकते हैं। वैज्ञानिक विधि से भी बना सकते हैं, अपनी खुद का जब बनाने लगेंगे तो खुद का अपना तरीका निकाल सकते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट देखिए कितना अच्छा वर्मी कंपोस्ट है, कि इसमें देखिए कितने अच्छे टमाटर आए हुए हैं, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए, सामने मेरी यूनिट लगी हुई है वर्मी कंपोस्ट की, एक वो बगल में है, एक ये है, और एक मेरे पीछे देखिए दोस्तों, ये मैंने पक्का बनवा रखा है। तो इसमें इसकी मैंने पूरी वर्मी कंपोस्ट निकाल ली है, अभी इसमें कल्चर बचा हुआ है, तो मैं नेक्स्ट देखिए वहाँ पर गोबर इकट्ठा हो रहा है, जिसमें वो पुआल पड़ी हुई है धान की, तो इसमें हमारा गोबर ठंडा हो रहा है, इसमें हम डेली पानी का इस्तेमाल करते हैं, और ये जब ठंडा हो जाएगा 3-4 दिन बाद, तो इसमें हम केचुए छोड़ देंगे। और वो इधर साइड में हम नया बेड बना रहे हैं, इसको भी ठंडा करके इसमें भी कुछ दिन में केचुए छोड़ देंगे। उसकी वर्मी कंपोस्ट बन चुकी है, वो लगभग बन गई उसकी, अभी हम 10 दिन बाद वर्मी कंपोस्ट निकालना स्टार्ट कर देंगे। और जो बीच में बेड है उसका भी वर्मी कंपोस्ट निकालना स्टार्ट करने वाले हैं 15 दिन में। तो ये आप देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट का रिजल्ट, आप देख सकते हैं इसकी टमाटर के टेस्ट, टमाटर की सेल्फ मतलब इम्यूनिटी है, जो सेल्फ उसको कितने दिन तक आप अपने रख स्टोर कर सकते हैं, सेल्फ स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा है दोस्तों।
और इसी तरीके से अमरूद के पौधे में देखिए बहुत सारे फ्लावर वगैरह आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्वस्थ पेड़ है। तो इस तरीके से आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करिए, कोई भी डीएपी खाद वगैरह की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप अच्छी फार्मिंग करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपकी ज़मीन की, पहली बात तो आपकी ज़मीन की क्वालिटी अच्छी होगी, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी, उसके साथ में ये सारी चीज़ें अच्छी होगी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अभी मैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में और भी जानकारी देता रहूँगा अपने चैनल में, और लोगों को इस्तेमाल कराने के लिए अभी मैं कैंप वगैरह लगाना स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसके माध्यम से हम लोगों को जानकारी देंगे दोस्तों। तो मेरे चैनल में जुड़ जाइए, चैनल से जुड़े रहिए और आपको सारी जानकारी मिलती रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों साथ। ये वर्मी कंपोस्ट में झूठ नहीं बोलना दोस्तों, ये वर्मी कंपोस्ट का ही मजा है दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया गया है, कोई भी कीटनाशक कोई भी इसमें जरूरत नहीं पड़ती डालने की। कीड़े तो लगते नहीं टमाटर में, बिल्कुल भी नहीं लगते कीड़े। इसकी सेल्फ इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा है कि इसमें कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं लगती, बीमारी कुछ नहीं लगती दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के लिए। धन्यवाद मेरे चैनल देखने के लिए।